शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम, ये दो कोड जिनकी लोकेशन डिकोड कर पाना यूपीएसटीएफ के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। दोनों के पीछे पुलिस और जांच एजेंसियां हाथ धोकर पड़ी हैं, लेकिन दोनों पुलिस को छकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या शाइस्ता और गुड्डू को पकड़ना मुश्किल हो गया है? दोनों कहीं यूपी में कोई बड़ी साजिश रचने तो नहीं जा रहे? दोनों ने ना तो सरेंडर किया ना अरेस्ट हुए, क्या यूपी में कुछ बड़ा करने वाले हैं बमबाज और उसके साथी? 13 अप्रैल को असद का एनकाउंटर, फिर 15 अप्रैल को माफिया भाइयों का कत्ल। ये माना गया कि एक बेगम अपने शौहर के जनाजे में तो जरूर पहुंचेगी, भले इसकी सजा गिरफ्तारी हो, लेकिन उसने आखिरी बार भी अपने शौहर का दीदार नहीं किया। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अतीक की बीवी शाइस्ता शौहर के साम्राज्य को अपने नाम कराने में जुटी हुई है, या फिर दूसरी गुंजाइश ये भी है कि घायल शेरनी कहीं कोई बड़ा हमला तो नहीं करने वाली। आज की तारीख में ये लेडी डॉन यूपी की सबसे चर्चित और वांटेड लेडी बन गई है। 50,000 की इनामी शाइस्ता तो पंजाब के भगौड़े अमृतपाल से भी ज्यादा शातिर निकली। अमृतपाल को तो पंजाब पुलिस खोज लाई, लेकिन शाइस्ता तक पहुंचने में यूपी पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन माफिया अतीक अहमद का साम्राज्य संभालने की कोशिश में जुट गई है, जो अतीक ने अपने अपराधीकरण से पैदा किया था। यूपीएसटीएफ के अनुसार शाइस्ता उन संपत्तियों को अपने कब्जे में ले रही है जिन पर अभी तक अतीक का नाम दर्ज था। शाइस्ता फरारी के बावजूद चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में है। यूपी पुलिस ऐसे सीए की तलाश कर रही है जो अतीक और अशरफ पे काला धन का विवरण रखते थे। अब यही सीए शाइस्ता की मदद कर रहे हैं। शाइस्ता अतीक के काले साम्राज्य की पूरी डिटेल मंगवा रही है। एसटीएफ को ये इनपुट हाथ लगा है कि शाइस्ता दिल्ली, मुंबई, यूपी सहित कई जगहों पर संपत्ति अपने नाम करवा रही है। इस काम को करने में शाइस्ता अकेली नहीं है, कई बेनामी संपत्तियों को हासिल करने में सीए समेत उसके कई जानकार लोग उसकी मदद कर रहे हैं। पुलिस को शाइस्ता परवीन के प्रयागराज में छिपे होने की आशंका है। पिछले दिनों उसकी लोकेशन प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर मिली थी, जिसके बाद इस इलाके के कई गांव में छापेमारी की गई थी, लेकिन शाइस्ता को पकड़ने में पुलिस अभी तक नाकाम ही रही है। शाइस्ता हर बार चकमा देने में कामयाब हो जाती है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी और तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।